Students, today I will discuss about the elevation in boiling point and depression in freezing point, जो next two colligative properties हैं. Relative lowering of vapor pressure के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, और जो second Rolle's law किया है उसमें भी हमने किया relative lowering of vapor pressure के बारे में. तो elevation in boiling point और depression in freezing point के बारे में आज हम बात करेंगे. और मैंने आपको बताया कि पहली जो तीनों colligative properties हैं ये किस पे depend करती हैं, vapor pressure की concept पे. तो देखिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ. तो नाम है इसका देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन का मीनिंग क्या होता है, इंक्रीज, इंक्रीज होगा. तो एज यू नो ऑन एडिशन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सम ऑफ द सरफेस एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, हेंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. क्योंकि अगर आप डेफिनेशन से देखें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन होती है, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर. तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज. तो यही बात इसमें लिखी हुई है, इट इज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. तो उसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. लिखते हैं इसको डेल्टा टी बी. बी का मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट, टी का मतलब टेम्परेचर. यहाँ पे एज वी नो ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. तो ग्राफिकली इसको समझते हैं. देखिए आपको बिल्कुल अंडरस्टैंड करके चलना है इसको कि किस तरह से ग्राफ बनता है. अलोंग दिस एक्सिस हमने वेपर प्रेशर ले लिया, अलोंग दिस एक्सिस हमने क्या लिया, टेम्परेचर. तो मान लीजिए ये लाइन है जो कि एटमोस्फेरिक प्रेशर को इंडिकेट कर रही है. से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लाइन विच इंडिकेट द एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर को इंडिकेट कर रही है ये वाली लाइन. ये यहां पे एटमोस्फेरिक प्रेशर है. अब दो लाइन मैं ड्रॉ करता हूं, एक ये वाली और एक ये लाइन. इनमें से एक लाइन सॉल्यूशन के लिए है और दूसरी सॉल्वेंट के लिए है. तो अंडरस्टूड है ऊपर वाली लाइन सॉल्वेंट के लिए होगी और नीचे वाली सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस लाइन का वेपर प्रेशर ज्यादा और इसका कम है. तो ऊपर वाली लाइन किसके लिए होगी, सॉल्वेंट के लिए, फॉर द सॉल्वेंट. और नीचे वाले किसके लिए होगी बच्चों, फॉर सॉल्यूशन. अब आपने क्या करना है, इनका बॉइल करना है. तो बॉइल करना है तो दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा. इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज. तो इनका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, दोनों का इंक्रीज हो रहा है, दोनों लाइन के, सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन दोनों का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. और बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर. तो ये पॉइंट है जहां पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया है. इसी तरह से सॉल्यूशन के केस में ये पॉइंट कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है. आप देखिए इस पॉइंट पे. अब हम देखना चाह रहे हैं कि कौन सा टेम्परेचर है वो जिसपे बॉइल हो रहा है. तो देखिए हम नीचे की तरफ इसमें डॉटेड लाइन से लेके आएंगे, इसको ड्रॉ करेंगे. तो आप देखिए ये सॉल्वेंट की लाइन है, ये बॉइलिंग पॉइंट किसका हो गया फिर आपके पास, ये टीबी नॉट लिख दिया मैंने. टीबी नॉट का मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट. ये बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का कितना है ये, क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम है. तो अंडरस्टूड उसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, वेपर प्रेशर कम है तो ज्यादा हीट करना पड़ेगा. कहां तक ले जाने के लिए, एटमोस्फेरिक प्रेशर तक उसको लेके जाने के लिए हीटिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. तो अकेला सॉल्वेंट था तो बॉइलिंग पॉइंट ये था. अब सॉल्यूट डालने पे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे बॉइलिंग पॉइंट इतना हो गया. तो ये बॉइलिंग पॉइंट किसका हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टीबीएस लिख दिया मैंने, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. तो इंक्रीज कितना हुआ, ये इंक्रीज हुआ इतना यहां से लेके यहां तक. तो इसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा टीबी. तो आप बताइए डेल्टा टीबी किसके इक्वल हो गया, हाइयर माइनस लोअर. हाइयर बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सॉल्यूशन का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. तो ऐसे याद भी रख सकते हो आप इसको. तो ये आपके पास देखिए फॉर्मूला बन जाता है. तो डेल्टा टीबी को कैसे निकाला आपने, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, हाइयर माइनस लोअर, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में अपोजिट चलेगा ये. तो ये आपने किया. तो क्यों इंक्रीज हुआ, किस तरह से इंक्रीज हुआ, डेल्टा टीबी को कैसे निकाला आपने, वो मैंने आपको बताया. तो डेल्टा टीबी क्या हो गया, जो एलिवेट हुआ बॉइलिंग पॉइंट, कितना इंक्रीज हुआ वो, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. अब एक बात समझिए आप, यहाँ पे छोटी सी डेरिवेशन हम कर रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे निकल के आएगा इसका.
आप देखिए जो ये डेल्टा टीबी है वो इन दोनों के वेपर प्रेशर के डिफरेंस पे ऊपर बेस्ड है। आपने जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला ये लाइन उतनी नीचे आ जाएगी, मींस वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का उतना ही कम हो जाएगा, ये अंडरस्टूड है। ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे आप तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का और कम हो जाएगा, और कम होगा तो अंडरस्टूड है बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो इट मीन्स दिस डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ द वेपर प्रेशर। डेल्टा पी क्या है? डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर का डिफरेंस दोनों का, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर का डिफरेंस उतना ज्यादा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और वेपर प्रेशर का डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कितना अमाउंट आपने सॉल्यूट का एड किया उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स डेल्टा टीबी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अंडरस्टूड बात हो गई? आप बात को समझ गए होंगे आई होप, क्योंकि ये लाइन का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा डिफरेंस होगा। और ये लाइन क्या है? वेपर प्रेशर का डिफरेंस। और ये लाइन क्या है? डेल्टा टीबी है। और ये वेपर प्रेशर का डिफरेंस कब ज्यादा आता है? जब आपने ज्यादा सॉल्यूट डाला, मींस मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का ज्यादा होगा तो ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का है। सो डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दिया, यहां पे के लिख दिया हमने, जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, के इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। के यहां पे क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? के एक्स टू, हमने ये लिख लिया। अब देखिए आप एक्स टू को क्या लिख सकते हैं? आप एक्स टू या काई टू बोलते हैं जिसको, एन टू ओवर एन वन प्लस एन टू। एन टू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन वन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन हम ऐसे निकालते हैं। तो ये आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के एन टू ओवर एन वन प्लस एन टू फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर आपके पास सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, जो कि नॉर्मली आपके उसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन ही है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या है आपको बताया? एन वन प्लस एन टू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन वन। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के एन टू बाय एन वन। ये हो जाएगा आपके पास डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि n1 वन प्लस एन टू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन वन, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत कम हो जाते हैं उसके केस में। तो ये आपके पास, अब आपको ये भी पता है कि जो n1 की वैल्यू है, n1 किसके इक्वल है? n1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। वो किसके इक्वल है? गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पहले भी कई बार यूज हो चुका है। तो ये आपके पास के इंटू एन टू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वन इंटू, ऊपर चला जाएगा ये, नीचे ये वाली वैल्यू लेके आएंगे तो ये एम वन ऊपर आ जाएगा। अब आप देखिए आगे, ये आपके पास क्या है? एन टू बाय डब्ल्यू वन। एन टू क्या है बच्चों? एन टू इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये डब्ल्यू वन क्या है? मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये आपके पास क्या आ गया? मोलैलिटी। क्या आ गई है आपके पास? मोलैलिटी एम। तो मोलैलिटी के इक्वल रख सकते हैं आप। और के क्या है आपके पास? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। एम वन क्या है? मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट है। तो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए एम वन कॉन्स्टेंट होगा, के भी कॉन्स्टेंट है, तो दो कॉन्स्टेंट को मर्ज कर देंगे हम। तो एक तरह से मैं दोबारा से ये इसमें लिख रहा हूं, देखो के इंटू एम वन, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया मैंने, के और एम वन को, और एन टू बाय डब्ल्यू वन की जगह क्या कर दिया मैंने? मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। ये मोलैलिटी हो गया आपके पास। और के और एम वन की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? के बी, एक नया कांस्टेंट, दो कांस्टेंट को मिला के एक कांस्टेंट हमने बना दिया। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ये फॉर्मूला बुक्स में लिखा मिलेगा। और के बी किसके इक्वल है बच्चों? के इंटू एम वन इज इक्वल टू के बी। ये आपके पास हो गया के बी। इस के बी को हम इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट डिफाइन भी करेंगे हम अभी। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। आप देखो आप मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपने किया हुआ है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू, मोलैलिटी का फॉर्मूला पूरा लिखे तो एक और फॉर्मूला आ जाता है, डब्ल्यू टू इंटू थाउजेंड डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वन इंटू एम टू। ये फॉर्मूला आपके पास, तो न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपके पास
W2 क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ये गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये आपके पास 1000 ग्राम है। तो अगर किलोग्राम में लिखें तो 1000 की जगह 1 हो जाता है। तो ये आपके पास फॉर्मूला, ये वाला न्यूमेरिकल में यूज होता है, ये वाला भी न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं आप। तो देखिए, मैं हमने जो फॉर्मूले में वेरियस सिंबल्स यूज किए हैं वो सारे सिंबल्स आपको पता है, बस के का और किसका नहीं पता आपको, केबी का नहीं पता। तो के मैंने बताया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, और केबी क्या है, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और केबी क्या है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसको के और M1 दोनों कांस्टेंट्स को मिला के आप शामिल करते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए M1 मींस मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कांस्टेंट होता है। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपके लिए 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डिफाइन कर सकते हैं आप। देखिए, ये वाला जो फॉर्मूला आपके पास, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम, ये फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, इससे हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, और डेफिनेशन को क्रैम नहीं करना आपने। अगर आप इसमें मोलैलिटी 1 ले लें, इफ एम इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू एम, एम की जगह 1 रखी हमने, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी हो जाएगा। कब हो जाएगा, व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन एज 1। तो यहां से डिफाइन कर सकते हैं केबी को, इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट को। तो कैसे आएगी डेफिनेशन इसकी, इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन एज 1 यूनिट। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, इट इज मींस इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन एज 1 यूनिट। So when molality of solution is taken as 1 unit, the elevation in boiling point is called as ebullioscopic constant. तो इसकी definition आप याद रख सकते हैं, इसको define कर सकते हैं ebullioscopic constant। तो यहां से आप delta TB को निकाल सकते हैं, KB की calculation, W2, W1, M2 या molality की calculation आ सकती है अलग अलग उसके हिसाब से, कितना बॉइलिंग पॉइंट हुआ है वो भी निकाल सकते हैं आप। तो उसके लिए आप पीछे वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने किए इसमें, ये और तीसरा हमने कौन सा किया, वो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस कंसेप्ट में हमने किए, और वेपर प्रेशर के कंसेप्ट के ऊपर ये बेस्ड है। तो देखिए, जो नेक्स्ट इसमें जो थर्ड इसमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये बिल्कुल, अगर आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को अच्छे से समझेंगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उसी से बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड है, वेपर प्रेशर की कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। तो डिप्रेशन मतलब डिक्रीज होना, तो जिस फैक्टर की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया था उसी फैक्टर की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। तो कौन से फैक्टर की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ था, हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एड किया, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन अलग है। तो बॉइलिंग पॉइंट की स्टेटमेंट क्या है, डेफिनेशन क्या है, कंसेप्ट क्या है, कि इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। और जो आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड स्टेट इज इक्वल टू द सॉलिड स्टेट। तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर सेम हो जाए तो उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो उसकी वजह से जैसे वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, डिक्रीज ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। तो जिस फैक्टर की वजह से एलिवेशन हुआ था बॉइलिंग पॉइंट का, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे, वेपर प्रेशर डिक्रीज होने पे, उसी फैक्टर की वजह से डिप्रेशन और डिक्रीज ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व होता है। तो देखिए कैसे होता है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, डायग्रामेटिकली हम समझेंगे। अलोंग दिस एक्सिस वेपर प्रेशर, अलोंग दिस एक्सिस टेम्परेचर हमने लिया। तो ये 2 लाइंस आपको दिख रही हैं। एक बार फिर से, ऊपर वाली लाइन किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए, नीचे वाले किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, आप समझ गए होंगे। तो ये सॉल्वेंट के लिए है, और हमने ले लिया सॉल्वेंट कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, और ये है सॉल्यूशन के लिए, ये भी लिक्विड स्टेट में, एल मैंने लिख दिया। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आपके पता, ऊपर आपको बताया सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का कम होगा, डिक्रीज हो जाता है। अब हमने इंक्रीज नहीं करना टेम्परेचर को, क्योंकि हमने फ्रीज करना है, तो फ्रीज करना है तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज।
तो डिक्रीज कर रहे हैं हम टेम्परेचर को, तो अंडरस्टूड है वेपर प्रेशर, वेपर्स भी कम बनेंगे, वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है दोनों का, डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब मान लीजिए इस पॉइंट पे आके क्या हो गया, सडन फॉल ऑफ द वेपर प्रेशर इज ऑब्जर्व, सडन फॉल ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑब्जर्व। अब सडन फॉल ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, अंडरस्टूड है कब होगा, लिक्विड स्टेट में तो होगा ना, कब होगा, जब लिक्विड डायरेक्टली किसमें चेंज हो गया है, फिर लिक्विड किसमें चेंज हो गया है, सॉलिड में चेंज हो गया है, तो सडन फॉल ऑफ द वेपर प्रेशर इज ऑब्जर्व। तो ये यहां तक लिक्विड स्टेट में था, अब ये कौन सी स्टेट में आ गया बच्चों, सॉलिड स्टेट में आ गया, तो अब ये सॉलिड फॉर्म में आ गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया ये आपके पास, तो सडन फॉल आप देख पा रहे हैं एकदम नीचे आ गई लाइन यहां से। तो इस पॉइंट पे आप देखिए, इस पॉइंट पे बताइए आप, लिक्विड स्टेट का और सॉलिड स्टेट का जो वेपर प्रेशर है इस पॉइंट पे सेम हो गया कि नहीं, तो इट मींस ये वो पॉइंट है, ये वो टेम्परेचर, इस पॉइंट से रिलेटेड जो टेम्परेचर वही फ्रीजिंग पॉइंट है इसका, सॉल्वेंट का। इसी तरह से सॉल्यूशन का आएगा, हमने क्या किया, टेम्परेचर डिक्रीज किया, तो सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। तो ये भी आके मैच करेगा कहां पे, किसी न किसी पॉइंट पे जाके तो सॉलिडिफाई होगा ये। तो इस पॉइंट पे आके देखिए आप, इसमें भी सडन फॉल ऑफ द वेपर प्रेशर इज ऑब्जर्व, तो इस पॉइंट पे आके इसका भी वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया, सॉलिड के इक्वल हो गया, तो सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो गया यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए, यहाँ पे सॉल्वेंट के लिए। अब देखिए हम देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो हम नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि टेम्परेचर का हमें पता लगे। अब आप खुद देखिए जिस फैक्टर की वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता, इंक्रीज। अब इसमें क्या हो रहा है देखिए आप, ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका हुआ, सॉल्वेंट का, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, टी एफ लिख दिया मैंने इसको, नॉट, टी एफ नॉट, नॉट का मतलब सॉल्वेंट के लिए प्योर स्टेट में, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, और ये किसका है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉल्वेंट का ज्यादा, आप देख सकते हो पहले सॉल्वेंट का इतना फ्रीजिंग पॉइंट था, अब सॉल्यूशन का इतना हो गया, तो डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज कितना हुआ, ये हुआ डिक्रीज, मैं यहां लिख रहा हूं इसको डेल्टा टी एफ, ये आई होप आपको नजर आ रहा होगा ये डेल्टा टी एफ, ये आपके पास ठीक है, तो डेल्टा टी एफ आपके पास आ गया। अब ये डेल्टा टी एफ की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इन दोनों लाइन के डिफरेंस पे, क्योंकि ये लाइन जितनी नीचे आएगी उतना आगे जाके मिलेगा ये, तो उतना ज्यादा डिफरेंस होगा ये, और ये लाइन नीचे कब आती है सॉल्यूशन वाले, जब वेपर प्रेशर कम, और वेपर प्रेशर कम कब होता है, जब आप क्या ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे आप, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूट का, उतनी ये लाइन नीचे आएगी, उतना ज्यादा डिफरेंस होगा डेल्टा टीएफ का, यही बात हमने उसमें की थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में। तो डेल्टा टीएफ के लिए अब क्या फॉर्मूला हुआ, एक बार फिर से हाइयर माइनस लोअर, हाइयर क्या होगा आपके पास, इसमें किसका है फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा है आप बताइए, उसमें भी मैंने हाइयर माइनस लोअर किया था, तो लेकिन उसमें हमने किया था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान रहे हाइयर है फ्रीजिंग किसका, सॉल्वेंट का, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट के केस में जब डेल्टा टीबी हमने किया था तो यहां पे क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन यहां क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, हाइयर माइनस लोअर, तो कंसेप्ट आपको ध्यान रखनी है हाइयर माइनस लोअर फॉर्मूला याद रखने के लिए। तो ये आपके पास, अब देखिए हम इसकी छोटी सी डेरिवेशन फॉर्मूले के लिए कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से, आपको पता है डेल्टा टी एफ, ये जो डेल्टा टी एफ है ये वाली डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, कितना डिक्रीज हुआ फ्रीजिंग पॉइंट, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डेल्टा पी पे डिपेंड कर रहा है, कितना डिक्रीज हुआ वेपर प्रेशर, ज्यादा डिक्रीज होगा वेपर प्रेशर ज्यादा डेल्टा टी एफ आएगा, और वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है किसके ऊपर, कितना सोल्यूट आपने डाला, तो मोर फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब डेल्टा टी एफ बिल्कुल उसी तरह से इज इक्वल टू के एक्स टू, के क्या किया था हमने, क्या है यहां पे वही प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है के इज प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, एक्स टू क्या है, काई टू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, ये डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन
फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज होना। एक बार फिर से आपको पता है काई टू किसके इक्वल है, एन टू ओवर एन वन प्लस एन टू, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन क्या हो जाता है, फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन एन वन प्लस एन टू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन वन। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू की एन टू ओवर एन वन प्लस एन टू। और डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये दैट इज इक्वल टू के एन टू ओवर एन वन, किसके लिए, फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन, डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए। और आपको पता है ये एन वन किसके इक्वल है, डब्ल्यू वन बाय एम वन, बिल्कुल उसी तरह से केवी वाले उसमें हमने किया था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में, उसी तरह से ये डेरिवेशन चलती है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया के एन टू, इसकी जगह रख दिया हमने ये वैल्यू डब्ल्यू वन एम वन ऊपर चला गया। अब आपको पता है के और एम वन दोनों कॉन्स्टेंट, एम वन क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट है, जो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए कॉन्स्टेंट होता है। तो यहां से के और एम वन दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए। तो दैट इज इक्वल टू के एफ, एक नया कॉन्स्टेंट हमने दे दिया, दो कॉन्स्टेंट की बजाय एक कॉन्स्टेंट, दोनों कॉन्स्टेंट को मर्ज कर दिया। तो के और एम वन कॉन्स्टेंट हो गया, उसमें के भी लिखा था इसमें के एफ, तो उसमें था मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट क्योंकि इंक्रीज हुआ था बॉइलिंग पॉइंट का, तो इसमें क्या होना चाहिए, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। तो के एफ क्या है बच्चों, यहां पे मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, या दूसरा नाम क्या देखते हैं इसको हम, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट या दूसरा नाम क्या है, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट आप बोल सकते हैं इसको। तो देखो के और एम वन की जगह हम रख देंगे के एफ, और एन टू बाय डब्ल्यू वन क्या होता है, एन टू बाय डब्ल्यू वन यहां पे लिख देता हूं मैं, एन टू बाय डब्ल्यू वन इज इक्वल टू मोलैलिटी, पहले भी लिखा था हमने। तो इस के और एम वन की जगह के एफ रखेंगे, एन टू बाय डब्ल्यू वन की जगह एम रखेंगे, तो फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो फॉर्मूला याद करना है आपको, ये उसमें था के बी इंटू एम, इसमें क्या हो गया के एफ इंटू एम, आपके पास के एफ इंटू एम। अब यहां से के एफ को डिफाइन भी कर सकते हैं आप, पहले मैं फॉर्मूला और एक्सटेंड कर देता हूं, एम की जगह मोलैलिटी का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, तो डब्ल्यू टू इंटू थाउजेंड डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वन इंटू एम टू। तो ये सारे सिंबल आपको पता है कौन सा क्या यूज होता है, ये मास ऑफ द सॉल्यूट, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट, ये क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। तो यहां से क्रायोस्कोपिक एम इज इक्वल टू वन, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के एफ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। तो यहां से डिफाइन करेंगे आप, कैसे डिफाइन करेंगे आप बताइए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, तो डिफाइन करेंगे आप कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज टेकन एज वन यूनिट, में यहां लिख देता हूं देखिए, तो के एफ की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, इट इज द डिप्रेशन क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज टेकन एज वन यूनिट, या सॉल्यूशन की मोलैलिटी वन यूनिट होगी, यूनिटी होगी, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट बोलेंगे। अब ये फॉर्मूला आपके पास तीन, एक ये वाला फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, तीनों आपको इसमें आने चाहिए अच्छी तरह से। फिर इसमें दो एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसकी एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
तो इसकी दो एप्लीकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है जो पूछी भी जाती है। एक तो आपको पता है जो माउंटेन एरियाज होते हैं वहां पे सर्दियों में, जैसे हमारे देश में भी, या फिर ऐसी कंट्रीज हैं जो कोल्ड कंट्रीज बोलते हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं या यूएस वगैरह हैं, जहां पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो वहां पे रोड के ऊपर बर्फ जम जाती है, स्नोफॉल होता है और रोड के ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है, तो उसको रोड को क्लीन करना पड़ता है। तो अगर रोड को क्लीन करना है तो उसके लिए मशीन्स का यूज करना पड़ता है। तो जो आइस है वो एक स्टोन की तरह से बिहेव करती है, एक रॉक की तरह से बिहेव करती है, तो वो कई बार मशीन्स को भी तोड़ देती है। तो उस आइस को सॉफ्ट बनाने के लिए हम इस कंसेप्ट का यूज करते हैं, उस आइस को सॉफ्टन करने के लिए, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए, ताकि मशीन से आसानी से वो निकाल सके, हम रिमूव कर सके, रोड से वो आसानी से क्लीन कर सके। और हमारे देश में भी जैसे J&K है, जम्मू एंड कश्मीर है, वहां पे बहुत सारे रोड ब्लॉक हो जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए भी हम इस कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो करते क्या है इसमें, पहले मैं ये लिख देता हूं, टू क्लियर द आइस फ्रॉम रोड्स ड्यूरिंग विंटर्स या इन कोल्ड कंट्रीज। तो करेंगे क्या इसमें, हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को स्प्रे कर देते हैं। से फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ले लिया हमने, मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड ले लिया या सोडियम क्लोराइड ले लिया, तो जहां पे भी आइस फॉल हुआ है या आइस जमी हुई है, तो हम क्या करेंगे, उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे। कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया मान लीजिए हमने, स्प्रे कर दिया, सोडियम क्लोराइड स्प्रे कर दिया, तो उससे क्या होगा, सोलवेंट क्या है, वाटर है वहां पे, तो सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाएगा। तो जो सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट पहले 0 डिग्री था, वो गया -10 या -20, तो जो बर्फ वहां पे जमी हुई है वो पिघलने लग जाएगी, वो लूज हो जाएगी। तो आसानी से मशीन्स की हेल्प से हम उसको निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो टू क्लियर द आइस फ्रॉम द रोड्स, बिकॉज ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन या सोलवेंट गेट डिक्रीज हो जाएगा एंड आइस कैन बी रिमूव इजिली। तो आसानी से आप उसको रिमूव कर सकते हैं, आइस को क्लियर कर सकते हैं, कहां से, रोड से हटा सकते हैं, रोड से आइस को रिमूव कर सकते हैं। एक दूसरा आपके पास है इसमें व्हीकल्स में, ये भी कोल्ड कंट्रीज में ज्यादातर यूज होता है, या हमारे देश में नॉर्मली विंटर्स में यूज होता है, एंटी फ्रीज एजेंट इन व्हीकल्स। जो गाड़ियां हैं उनके अंदर एंटी फ्रीज एजेंट यूज होता है, गाड़ियों में रेडिएटर होता है, आपको पता होगा रेडिएटर में कूलेंट डालते हैं, जो कार्स हैं दूसरी गाड़ियां हैं उनमें रेडिएटर होता है जो इंजन को ठंडा रखता है, कूल रखता है, तो उसमें क्या डालते हैं, रेडिएटर में कूलेंट ऐड करते हैं। अब मॉर्निंग में मान लीजिए टेम्परेचर -20 है किसी कोल्ड कंट्री में, आप गए हैं, या हमारे देश में J&K में, लेह लद्दाख में है, आर्मी के व्हीकल्स हैं या दूसरे व्हीकल्स हैं, कोई भी व्हीकल जनरल पब्लिक का भी है, अब -20 -30 डिग्री टेम्परेचर है, -10 डिग्री टेम्परेचर, तो कूलेंट तो पूरा जम गया, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। स्टार्ट होने के बाद तो चलो वो इंजन गर्म रखता है उसको, लेकिन स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी आपकी मॉर्निंग में, पूरा जम गया कूलेंट आपका, तो उसमें क्या डालते हैं, उसमें एंटी फ्रीज एजेंट डालते हैं। एंटी फ्रीज एजेंट हम उनको बोलते हैं विच डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द कूलेंट, कूलेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर दे। अब फ्रीजिंग पॉइंट पहले मान लीजिए कूलेंट का था 0 डिग्री, अब हो गया -20 डिग्री, तो जब तक -20 डिग्री नहीं पहुंचेगा टेम्परेचर बाहर का, आपका जो कूलेंट है वो फ्रीज नहीं होगा। तो ये एंटी फ्रीज एजेंट होते हैं। तो किसमें यूज होते हैं, यूज्ड इन रेडिएटर्स ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स के रेडिएटर्स में ऐड करते हैं ताकि कूलेंट फ्रीज ना हो और गाड़ी आपकी आसानी से नॉर्मली चलती रहे, इजीली स्टार्ट हो जाए, विंटर सीजन में भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये दो मेन एप्लीकेशंस हैं किसकी, दीज आर द टू मेन एप्लीकेशंस ऑफ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, आइस को क्लीन करना रोड से और एंटी फ्रीज एजेंट का यूज करना इन द व्हीकल्स रेडिएटर्स। अब इसमें दो फॉर्मूले और हैं जो नॉर्मली पूछे जाते हैं, वो और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले और हैं जो आपके नॉर्मली यूज होते हैं, एक है ये KV को निकालने के लिए, दूसरा KF को निकालने के लिए।
जो केबी को निकालने के लिए फॉर्मूला है, केबी क्या होता है इसमें, बिब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, तो उसके लिए m1 वन इंटू आर इंटू पीबी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन या हीट ऑफ वेपोराइजेशन। m1 क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, r क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये क्या है, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, तो उसका स्क्वायर करेंगे आप, और ये क्या है आपके पास, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन या हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आर यूनिवर्सल इसमें क्या हो गया, गैस कांस्टेंट हो गया आपके पास। और केएफ के लिए क्या है, एम वन आर, तो बी की जगह टीबी की जगह क्या आ गया, टीएफ आ गया, तो ये क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, ये एम वन और आर वही है, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, और ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो ये एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और फ्यूजन वैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं क्लास 11th में, लेकिन फिर भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। एंथैल्पी या हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है, अगर आपके पास वन मोल लिक्विड है, वन मोल क्या है, लिक्विड है, तो उसको वेपोराइज करने के लिए कितनी हीट एनर्जी इन्वॉल्व होती है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसी तरह से वन मोल आपके पास सॉलिड है और सॉलिड को आपने मेल्ट करना है, तो उसमें जो हीट एनर्जी इन्वॉल्व होगी, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। तो सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना फ्यूजन कहलाता है, लिक्विड को वेपोराइज करना वेपोराइजेशन कहलाता है। तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन और हीट ऑफ फ्यूजन, तो यहाँ पे ये, और तीन तीन फॉर्मूले मैंने उसमें बताए आपको, किसमें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, तो वो फॉर्मूले आप याद करें और ये याद करें, फिर न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस वगैरह जो फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो हम डिस्कस करेंगे, और न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस भी आप डिस्कस करेंगे। किसी भी एक इम्पोर्टेंट लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, स्टडीज हो, चाहे गेम्स हो, आप मन से दिल से अगर आप उसको करेंगे, खुश होकर करेंगे, तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, नहीं तो अच्छे रिजल्ट्स आपके नहीं आएंगे। तो जैसा आपका मन होगा वैसा आपका काम होगा, तो अच्छे से आप पढ़िए, पढ़ना आपको है, क्योंकि रिजल्ट आपका आना है, किसी और का नहीं आना, तो आप मन से पढ़िए और अच्छे से अपना काम करिए। थैंक यू।